हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और गाइस तो गाइस, इस वीडियो की इतने टाइम से डिमांड आ रही थी लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। और मैंने पहले से सोच के रखा था कि रमज़ान आने से पहले मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी बेबी भी आने वाला है, तो इसीलिए बेबी आने से पहले मुझे ये वीडियो बनाना था, क्योंकि फिर हम बना नहीं पाते और फिर लव स्टोरी शेयर करना और फिर बेबी आने के बाद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी शेयर कर देती हूँ। तो यस, और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भी गलत मैसेज नहीं दे रही या लव मैरिज को प्रमोट नहीं कर रही है। मैं सिर्फ अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी इसलिए। तो कोई भी गलत उसमें मत लेना, गलत वे में। हेट कमेंट तो आते ही हैं, वो तो आएंगे ही है ना। वो तो आएंगे कि क्या कर लिया ये सब फालतू के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो के लिए हम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया गाइस, सच में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग मिले थे फेसबुक पे। जी, हमारा फेसबुक वाला लव है, तो फेसबुक पर ही हमारी स्टोरी की शुरुआत हुई थी। हाँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई उस टाइम पे। मैं बहुत बच्ची जैसी दिखती थी, यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दूँगी, इस टाइप की दिखती थी मैं, बच्ची जैसी। अभी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है ना, मोटी हो गई। तो उस टाइम पे मैंने नया नया फ़ोन चलाना स्टार्ट किया था। मेरे पापा एक छोटा सा फ़ोन लेके आए थे और मैंने उसमें फेसबुक डाउनलोड किया था, और मुझे नया नया चैटिंग का भूत सवार हो गया था। मतलब मैं अपने कज़न से बहुत ज़्यादा चैटिंग करती थी और फेसबुक पे सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, और मुझे आता नहीं था चैटिंग करना सही से, लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश करती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो उस टाइम पे मुझे मेरे कज़न लोग यहीं पे रहते हैं भोपाल में, तो वो एक ग्रुप बनाया था, उसमें भोपाल के लोग थे सारे। तो उस ग्रुप में मुझे ऐड किया, मतलब कोई था जिसने मुझे ऐड किया था, आई डोंट नो, भूल गई मैं। तो उस ग्रुप में से मैं उठा उठा के एक एक को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही थी, और उसमें सबको भाई बोलती थी, और उसमें थे ये और मैं इनसे भी भाई बोल रही थी। और इनकी डीपी जो थी ना, वो उन्हें वरुण धवन की लगा के रखी थी, जिसे देख के मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और मैं सोच रही थी कितना स्मार्ट लड़का हुआ, समीर खान और वरुण धवन की डीपी आई है। मैंने हाल के हाल फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और मेरी आईडी कैसी थी बताओ? इनकी आईडी ऐसी थी दोस्तों के इनकी आईडी के अंदर एक बच्चे का फोटो लगा हुआ था। हाँ, बच्ची बहुत क्यूट सी बच्ची थी, उसका फोटो लगा हुआ था इनकी आईडी पे। तो फिर मैंने एक्सेप्ट करी, मैंने क्या हो सकता है, कोई बच्ची ही टाइप की लड़की होगी। और मैंने इनको ज़्यादा भाव माव नहीं दिया था बिल्कुल भी, फुल मतलब एटीट्यूड के अंदर ही बात करी थी मैंने इनसे, है ना। और ये मुझसे लूडो खेलने लगी थी उस टाइम मेरे साथ, और मैं ग्रुप में चैटिंग करता रहता था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं रखता था, मतलब किसी से मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। और ये है करीबन रमजान आने वाले थे ना, 2019 की बात है ये, रमजान आने वाले थे, रमजान 6-7 दिन बाद, यही टाइम था। हाँ, यही टाइम चल रहा था, रमजान आने वाले हैं अभी 5-6 दिन बाद, तो इसी टाइम पे ही रमजान आने वाले थे। तो मैं इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, और इन्होंने मुझसे बहुत बात करने की कोशिश करी, फिर मैंने धीरे धीरे इनसे बात करी। हाँ, और हम लोग फ्रेंड्स बन गए थे उसके बाद, फिर मैंने इनको भाई बोलना छोड़ दिया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप नंबर जो है, नहीं वो बाद में दिया था। हाँ, पहले तो तुमने हमसे फोटो मांगी थी और हम फोटो सेंड नहीं कर रहे थे। भाई, जो फोटो इन्हें सेंड करी थी वो मैं आपको बताऊँ ना, इतनी बेकार फोटो सेंड करी थी कि मतलब कोई भी इंसान होगा, मतलब कितना ही बुरा दिखने वाला लड़का भी होगा ना, वो तक रिजेक्ट कर देता, वो तक रिजेक्ट कर देता इनको। हाँ, तो हमने बहुत ही बेकार फोटो भेजी थी, ये सोच के कि कोई सी भी भेज देते। और पता, मुझे गाइस बहुत ज़्यादा डर लगता था अपनी फ़ोटो किसी को सेंड करने में, क्योंकि उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि फ़ोटो वायरल कर देते थे किसी की भी, और सावधान इंडिया इतना देखती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा डरती थी, इसीलिए मैं इनको नहीं कर रही थी। बहुत इनने रिक्वेस्ट करी, तब जाके मैंने वीडियो सेंड करी, मतलब फ़ोटो सेंड करी, मतलब सेंड ही नहीं कर रही थी मैं पहले, तो राजी ही नहीं हुई थी। बहुत मुश्किल से इनने मुझे मनाया, फिर मैंने सेंड किया, और फिर इनने भी सेंड किया था, क्योंकि हम दोनों ही अपनी ओरिजिनल मतलब फ़ोटो नहीं लगाए थे फेसबुक पे। वैसे भी मैं फ़ोटो लगाना प्रेफर नहीं करती थी,
इनकी फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, यहाँ पे लगा दूंगी, जो इन्होंने मुझे भेजी थी। ब्लू सेट में और चश्मा लगाए थे, शादी में खड़े थे वो वाली, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, मतलब बहुत सही लगे थे। और हम लोगों की दोस्ती हो गई थी मतलब, और हम लोग बहुत टाइम तक दोस्त बन की बात कर रहे थे, एक महीना तक। हाँ रमज़ान, मतलब आधे रमज़ान तक। हाँ और फिर ईद आने से पहले ही, मतलब मैंने गाइस व्हाट्सएप पे नंबर लेने के बाद, हाँ व्हाट्सएप पे बात करते थे, पहली बार प्रपोज किया था हमने, तुमने? हाँ गाइस लड़के प्रपोज करते लेकिन यहाँ पे मैंने किया था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे सोच के। और गाइस ने उस टाइम पे मुझे प्रपोज किया था, मतलब आई लव यू लिखा था और जो है ने डिलीट कर दिया। हाँ, डिलीट तो मैंने कहा था प्यार मजाक नहीं होता, डिलीट मत करो, फिर से बोलो जो क्या बोलना चाह रही थी। तो मैंने ने फिर से वही मैसेज किया बड़ी शर्मा के कि आई लव यू। तो फिर मैंने इनने आई लव यू टू नहीं बोला था गाइस, इनने मतलब मैंने बोला ही नहीं था बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद मैंने मैसेज पे नहीं, मैंने डायरेक्ट कॉल पे बोला था। हाँ, कॉल पे, और कॉल पे बोला था। और जो शुरू में इनसे बात करी थी तो ये बहुत ही डरी डरी थी, ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई पंजावन होती है ना, पंजावन लड़की, पंजावन ही मतलब लैंग्वेज। और इनसे जब बात करी थी तो इनके घर में वगैरह किसी की शादी वगैरह थी ना, हाँ किसी की शादी थी, तो वगैरह पुराने वगैरह गाने माने सुना रहे थे, सुन रहे थे। इनकी फ्रेंडें भी थी। हाँ गाइस मेरी कज़न्स आई हुई थी, मेरी नानी की यहाँ रह रही थी उस टाइम पे, और तो मैंने बात करी थी इनसे, लेकिन फिर मैंने दूसरे दिन उस आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुनी तो मैंने उनको उल्लू बना दिया था कि वो मैं नहीं थी, मेरी कोई बहन थी, क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ बहुत गंदी लग रही थी उस रिकॉर्डिंग में इसीलिए। और फिर सेकंड बार हमने बात की थी जब मेरे घर पे कोई नहीं था, तो कैसी बात करी थी बहुत अच्छे से याद है गाइस मुझे, बहुत डर लग रहा था, मतलब कभी किसी से कॉल पे बात नहीं, दिल धक 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 धक, और इतना डर लग रहा था कि कोई आ ना जाए, घर में कोई नहीं था, कुंडी बंद करके मैंने फ़ोन लगाया और फिर इनने बोला हेलो, मैंने बोला हेलो, और फिर बहुत ज़्यादा भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ आ रही थी, फिर तुमने क्या बोला था? तो फिर इनके बहुत भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ आ रही थी, तो इनने क्या बोला था? थोड़ा रुको मैं जा रहा हूँ, मतलब फिर उसके बाद मैंने इनसे बोला था कि मैं तूफान से बचकर तन्हाई में आ गए हूँ, अब बात करते हैं। तो गाइस आज अपन को कहते 5 साल हो चुके हैं। हाँ हाँ 5 साल नहीं, अभी 5 साल नहीं हुए, 2 साल रिलेशनशिप के और 2 साल शादी के, 4 साल हुए अभी, 5 साल होने वाले हैं। हाँ गाइस अप्रैल में, 9 अप्रैल को 3 साल हो जाएंगे शादी को, 3 साल हो जाएंगे शादी के ही माने जाएंगे, रिलेशनशिप अलग चीज़ थी, वो अपन सिर्फ कॉल पे, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, खाली अपन बात करते थे, इसलिए उसे नहीं जोड़ो अभी, सिर्फ 3 साल शादी के, ठीक है 3 साल हो जाएंगे अभी, और इस साल तो अपना मतलब उसके अगले महीने बेबी भी आ जाएगा, मई में है। और अब बताओ उसके बाद गाइस हम लोग बस बातें करते रहे, यही कुछ 9-10 महीने हम लोगों ने बातें करी। उसके बाद दिसंबर में वही 2019 के ही टाइम पे इनके कोई फ्रेंड्स लोग झांसी जा रहे थे, झांसी नहीं राजस्थान जा रहे थे, ढोलपुर, तो मैं उन लोगों के साथ चले गया था इनसे मिलने, मतलब मैंने सोचा मैं इन लोग के साथ जा रहा हूँ तो पहली बार जा रहा हूँ अकेला, कहीं घर वाले जाने आने नहीं देते थे, तो मैं पहली बार उन लोग के साथ गया दिसंबर में, तब मैंने इनसे मुलाकात करी। और हम लोग उस टाइम पे लगातार 3 दिन मिले गाइस, 3 दिन वो गाइस मैं इतना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, मुझे रात भर नींद नहीं आई, उस टाइम पे जो है ना मतलब ये बहुत ही सूखी साकी ये भोली सी बच्ची टाइप की लग रही थी गाइस मुझे। अच्छा और गाइस मुझे देख कर तो ये मतलब फ्लटी हो गई थी। चलो झूठे नहीं गाइस पता, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी शादी के बाद, अच्छी लगती थी वो तो मुझे, मतलब शादी से पहले नहीं, क्यों इतने अच्छे लगते थे गाइस? देखो मैं फोटो लगा दूंगी, झूठे तुमने भी पसंद किया था, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे मतलब पूरे चेहरे पे ना मेकअप ना कुछ, और पूरा मतलब तो गाइस उस टाइम पे मुझे सर्दियों का टाइम था, हाँ, मतलब वो ऐसा ड्राई ड्राई, क्योंकि मैं गाइस उस टाइम पे मेकअप करना बिल्कुल नहीं जानती थी, कोई क्रीम कोई मॉइस्चराइजर कोई कुछ भी मैं मतलब कुछ यूज़ नहीं किया था मैंने कभी, तो मुझे
इतना पता नहीं था कैसे क्या। और गाइस दिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी था कि पता नहीं ये पसंद करेंगे कि नहीं। और मैं इतनी पागल, मैं मतलब कभी मैंने अपने आप को अच्छा नहीं समझा, और आईने में देख के इतना डर डर के मैं इनसे मिलने गई। और रास्ते में भी अल्लाह पाक बस अच्छा हो वो लड़का, क्योंकि मैं 9 महीने से हम लोग बात कर रहे थे। बहुत एक अटैचमेंट हो जाती है ना, दिल लग जाता है, तो वो चीज़ हो गई थी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि बस मुझे पसंद कर ले और ये सब। और फिर हम लोग कहाँ मिले थे, पार्क में। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे कांशीराम पार्क में झांसी के। और जो कि मैंने उनसे पूछा था, मतलब तुमने हमसे पूछा था कि कहाँ आना है बताओ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ बुलाऊँ, कहाँ मिले, कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने अपने मोहल्ले के, मतलब इतने पास में मेरे घर के, और मैं पागल, मैंने वहाँ बुला लिया, जबकि मेरे कोई भी देख सकता था, मैं पागल थी, मैंने वहाँ बुला लिया। और वहाँ पे बेचारे, और मैं भी नहीं डरा, मैं भी चले गया, नए अनजान शहर में, नए लोगों के बीच के अंदर में चले गया। और गाइस उसके बाद ये ना, मतलब मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ रही थी, इतनी बढ़ गई थी। और ये वहाँ दूर खड़े थे ब्लैक जैकेट में, और ऐसे खड़े बाल करके, एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, एकदम स्टाइल में। और मैं ऐसे मुंह बांध के कुर्ती पहनी थी, और एक ट्राउज़र टाइप का पहनी थी, और बैग टांगी थी। कोचिंग के लिए मैं निकली थी, कोचिंग के लिए ही मैं कोचिंग के बहाने ही गई थी गाइस। और घर वाले भी देख रहा होंगे वीडियो? नहीं नहीं देख रहे होंगे, मेरे घर वाले नहीं देखते। और वैसे भी अब तो सब रात ही, मैं स्टोरी सुना रही हूँ तो ऐसा कुछ। तो गाइस फिर मैं मतलब फ़ोन पे बात कर रही थी, और मैं इतना डर रही थी। फिर इनने दूर से मुझसे बोला, हाँ हाँ दिख गई दिख गई। मैं इतना डर गई, मैंने कहाँ है कहाँ है, मैं ऐसे ऐसे देख रही। और फिर सामने खड़े, मेरी नज़रें ऐसी नीची, मैं ऐसे, और फिर मैंने फ़ोन ऐसे कर लिया। हमने इनको देखा ही नहीं था गाइस, मैंने मतलब देखा ही नहीं था। जब पार्क में एंट्री कर ली, उसके बाद डायरेक्ट हम टेबल पे बैठ गए ऐसे, बस यूं नजरें झुका के। और ये मुझे देखे जा रहा है यूं खड़े ऐसे, देखे जा रहा है। और हम घर से इनने मुझे देखा नहीं, और हमने देखा प्रेजेंट लाई थी, मतलब क्या लाई थी, घड़ी लाई थी, वॉच लाई थी, जो मैंने आज तक नहीं पहनी है। हाँ गाइस वो चेन वाली थी, चेन वाली थी, जो मैं कुछ पहनता नहीं हूँ भाई। और ये मेरे लिए हाथ में कौन, और ये मेरे लिए ये रिंग लेकर आए थे, जो कि हम लोगों ने बाद में दिया। तो पहले तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही, मेरी बोलती बंद, मैंने कोई बात ही नहीं करी थी, इतना डर। और ये बोले जा रहे कि क्या हो गया, घर वालों ने डांटा है क्या, मतलब सैड क्यों, इतना डरी डरी क्यों, क्या हो गया ये वो। मैं इनसे सवाल पे सवाल करे जा रहा था, ये सवाल कब रही थी, सभी लोग कब भी रहते हो, यू डरे से थे, बहुत सहमे थे, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी ये। फिर बस धीरे धीरे हम लोगों ने बात करी, पीछे धूप में बैठ के बहुत ज़्यादा, फिर मतलब दोस्ती टाइप की हो गई थी, फिर बात मत करी। और फिर हम लोग मतलब सुबह के 11 बजे के 4 बजे तक बात करी, उसके बाद घर चले गए। और फिर गाइस एकदम फिल्मों जैसी फीलिंग आ रही थी, मतलब जैसे फिल्मों की लव स्टोरी होती ना, बिल्कुल वैसी। और फिर रोड पे खड़े होके जब मैं घर जा रही थी, तो इनने कहा रुको, और फिर उनने मतलब वो आशिकी 2 में जैसे नहीं होता सुनो, तो इनने भी उनसे उनने कहा कुछ नहीं, और फिर इनने आई लव यू बोला, और फिर मैं घर चली गई। मतलब एकदम लव स्टोरी ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मों जैसा फील हो रहा था मुझे। बहुत अच्छा गाइस, सच में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन भी हम मिले, और फिर तीसरे दिन भी मिले, फिर ये वापस आ गए थे भोपाल। फिर बस अगेन, फिर हम लोग ऐसी कॉल पे बात करते रहे। तुम्हारे घर वालों को पता चल गया? हाँ गाइस, उसके बाद मेरे घर वालों को पता चल गया था, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी पता चल जाता गाइस, आप कितना भी किसी भाई ना कोई फ्रेंड ने देख लिया था, उनके भाई के फ्रेंड ने देख ली रोड पर, हम लोग को देख लिया था, बता दिया था। और ये पिटी नहीं करते ना गाइस, ये बहुत पिटी थी। नहीं मतलब किसी ने नहीं, भाई ने मारा था, जो कि आप लोग जानते हो सोनू को, तो बस वही, मतलब ज्यादा नहीं। मुझे भी फोन बोला के धमकी दी थी, ये वो कहाँ है भोपाल में आके मारूंगा। हाँ मेरे भाई ने इनको भी धमकी दी। और गाइस तीसरे दिन तो मैं मतलब 3 दिन मिले थे, वो तीसरे दिन तो मैं इनको गली में ही छोड़ के आया था। हाँ सोचो, मतलब भोपाल का बंदा झांसी की बंदी को उसकी ही गली में छोड़ के आया, बहुत बड़ी बात होती है। इनको डर नहीं लगता था, और मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन मैं बाद में पिटी थी, ये तो आ गया अपना।
ठीक है का इसमें उसके दो बाद। साल में रिलेशनशिप चला था, दो साल तक हाँ मतलब सुनो फिर, आता ये था तो जाता था सुनो आता तो, था। फिर अपन लोग बस बात करते रहे थे, फिर लॉकडाउन लग गया था, मेरे बोर्ड हाँ एग्जाम भाई चल रहे थे उस टाइम पे 10th क्लास के, उसके लॉकडाउन बाद लग गया लॉकडाउन लग गया था, था, फिर हम लोग नहीं मिले फिर नहीं मिल फ्रेंड्स, फिर पाए थे। नहीं मिल पाए थे नहीं फिर फिर। जैसे खुला था तब आए थे, हाँ फिर ये मतलब हम लोग बहुत बार मिले वैसे तो बहुत बार मिल गाइस, चुके थे। भोपाल से झांसी जाते थे इतनी दूर उसके बाद गाइस 8वीं बार जब ये आए तो सीधा बारात लेकर आए थे है ना, 7वीं बार ये मंगनी के लिए आए थे, मंगनी हुई थी जब हम लोगों की, पूरी में फोटो वगैरह सब यहाँ पे लगा दूंगी, नहीं तो इनकी शक्ल नहीं दिखेगी यहाँ पे लगा दूंगी, ये हम लोगों की मंगनी की फोटो है गाइस, बहुत अच्छी मेरी मंगनी हुई थी। और पहले तो मैं बता दूँ घर वाले कैसे माने थे, हाँ कहाँ तो थे गाइस अपन मंगनी में मैं ऐसे ही गया था, मतलब ऐसे घूमते फिर रहा था अपने यहाँ पर, और ऐसे घूमते फिरते अचानक से मतलब चली अली में जो कुछ चली अली हुआ मैं ऐसे चले गया था, मैं कोई तैयारी नहीं नहीं करके गाइस, ना एक मैंने दिन अपना पहले कुछ ये चले गए थे चले गए क्योंकि थे, मैं एक अपने दिन एक पहले दोस्त चले के गया साथ, था। एक दिन पहले आ गए झांसी और इनके घर वाले दूसरे दिन दूसरे आए दिन थे, आए थे इसीलिए इनको तैयार होने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, तो आप मंगनी की फोटो से समझ गए होंगे बहुत बुरा लग रहा था। हाँ जो भी हो पहले ये तो बताओ कि घर वाले कैसे मानते। हाँ उसके बाद गाइस फर्स्ट टाइम मेरे पापा आए थे भोपाल, मतलब वो कार चलाते हैं, ड्राइवर हैं, तो वो उनका आना जाना दूर दूर लगा रहता है क्योंकि वो सवारी छोड़ते हैं, तो मेरे पापा आए थे यहाँ, तो उनने इनको फ़ोन लगाया था कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, फिर इनको देखा था मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम, और ये ऐसे डरे डरे से, मेरे पापा भी बता रहे थे घर पे कि बाइक से खड़े थे ऐसे, चौंक गए थे ऐसे देख के पापा पहली बार को और फिर बस हमारे पापा घर गए थे, मतलब उनको पसंद नहीं आए थे गाइस, सही बताओ तो उन्होंने मना कर दिया था, इतना ये पसंद आए थे, मतलब कुछ भी उनको इतना कोई पसंद नहीं आया था फैमिली कौन में भी। पसंद करेगा गाइस पहली बात को, जो मतलब रेंट से रहते थे हम लोग तो ना कोई जान पहचान, तो गाइस हर इंसान ही हर बाप मना करेगा, वो अपनी जगह सही थे, गलत थोड़ी ना थे, वो हाँ अपनी जगह सही थे गलत नहीं थे। और गाइस इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिला कि जो समीर रेंट पे रहते हैं हाँ लेती क्योंकि है अपने घर वालों का यार, पापा का कहना नहीं करती यहाँ शादी यार वो। नहीं गाइस हम इनके बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें मैंने सही, इनको पाने के लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस की लाइफ में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े सब कुछ सहा, और मतलब जो भी बोलता था ना यही बोलता था कि वो रेंट पे रहता है कैसे क्या करेगा कैसे रखेगा वो तुम्हें, बहुत कुछ बोलते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और जो कि मैं बहुत बर्दाश्त करती थी, और कोई भी कुछ बोलता था ना गाइस मैं रोने लगती थी बस, अभी भी गाइस छोटी छोटी बातों में रोने लगती हूँ मैं वो तो। तो ठीक है लेकिन मेरी मम्मी तो राजी ही नहीं थी, मतलब पापा को तो मना लिया था, पापा तो राजी हो गए थे देखो, लेकिन मेरी मम्मी राजी ही नहीं हो रही थी, और जैसे तैसे पापा ने मेरी मंगनी करवा दी थी, मेरे पापा ने ही सब कुछ मैनेज किया था क्योंकि समीर के बिना मैं सोच भी नहीं सकती थी लाइफ में आके कुछ भी, इसीलिए तो बस मंगनी हो गई हम लोगों की उसके। बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में जो है बस। पार्ट 2 काहे के लिए आएगा, अब हो तो गई लव स्टोरी पूरी, तो बस तो फिर हो गई तो पूरी, ठीक है पार्ट 2 काहे के लिए आएगा, बस तो ये डिलीट कर देना आप बस, तो बस तो। अब हम बोल लें, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, वहां जाके लेट जाओ, जाओ काट देना ये सब, काट देंगे, जाओ दब गए तुम। तो ओके गाइस उसके बाद बस हम लोगों की शादी हो गई और बस हम लोग यहाँ आज साथ में रह रहे हैं बस, तो यही थी हम लोगों की स्टोरी, तो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ मैं बार बार यही बोलना चाहूँगी कि हम लोगों से कुछ भी इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है,
और कोई भी मतलब अपनी लव मैरिज को ये मत समझना कि बहुत अच्छी चीज़ है या जो भी है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, तो मैंने बस वही बता दी। तो चलो सो जा, ठीक है नीना, हम पर रहे तो मैं इस पर खड़े रहो साइड में, साइड में भर भी रहो तो ग्रीन खाना वो बोला था और वो हमने भी तो इनको हम पहचान गए थे हम जो तरफ खड़ी वो नंदे जो मोटी हम को लाइन बना ले नहीं बस आवे बेटा आवे ये खिला देना हां मीठा मुंह तो ले डब्बा खोल दे इसको ना थोड़ा थोड़ी भी खोल ले खोल ले तेरे खोल लेती हूं सब तुम दुपट्टा उड़ा मत तू दुपट्टा डाल के हार डाल ले मम्मी ऊपर आ जा संकेत थोड़ा सा पीछे कर दो दुपट्टा, जा रहा थोड़ा पीछे कर दो दुपट्टा, दो तीन चूड़ियाँ बना दो, चूड़ियाँ बनाते ना पंचियाँ बनाते ना बना दो बोला।